हेलो दोस्तों, वाई टी सपोर्ट यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, तो अपन की यहाँ पे वेबसाइट की सीरीज चल रही है जिसमें मैं आपको फ्री में वेबसाइट बनाना सिखा रहा हूँ। तो ये अपना पार्ट सेकंड है जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि जो अपन ने थीम अपलोड करी है, यानी कि जो अपन ने टेम्पलेट अपलोड किया है, उसको अपन पूरी तरीके से एडिट कैसे कर सकते हैं। तो पार्ट वन में मैंने आपको बताया था कि आप टेम्पलेट अपलोड कैसे करिए, अपने चॉइस के अकॉर्डिंग, अपने नीड के अकॉर्डिंग आप टेम्पलेट कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं और उसको कैसे अपलोड कर सकते हैं, जो कि आपका पहला इनिशियल स्टेप होता है वेबसाइट बनाने के लिए। तो आज इसमें अपन पार्ट सेकंड की बात करते हैं। तो चलिए पार्ट सेकंड की तरफ अपन बढ़ते हैं। सब्सक्राइब करें वाईटी सपोर्ट यूट्यूब चैनल को और साथ में बेल आइकन प्रेस करें जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो के इन्फॉर्मेशन जल्दी से जल्दी मिल सके। तो दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये अपनी वेबसाइट पर अपना काम चल रहा है जो अपन ने पार्ट वन पर बनाना सीखा था। ये चीज़ अपन ने पार्ट वन पर सीख ली थी। आज पार्ट सेकंड में अपन सीखेंगे कि अपन एडिट HTML करके सारी चीज़ें अपन जो भी कोडिंग से है, जो अपन को ज़रूरत नहीं है, वो कैसे हटाए। जैसे आप लास्ट में नाम देख सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट बाय गोया भी टेम्पलेट्स, ये अपन कैसे हटाए, या जो अपनी आलतू फालतू की चीज़ें हैं वो सारी कैसे हटाए। और ऊपर जो लेटेस्ट का एक ऑप्शन आता है, यानी कि अभी आप देखिएगा, मैं इसको थोड़ा सा ऊपर ले जाऊँ फिर आपको दिखाता हूँ मैं, जैसे ऊपर लेटेस्ट आ रहा है इसको कैसे हटाएं। तो ये जो फालतू की चीज़ें ये अपन कैसे हटाएं और साथ में अपन पूरा कस्टम कैसे करें आज इसकी वेबसाइट को, तो अपन को सीखना है। तो अपन को blogspot.com पे जाना है और थीम के अंदर जाना है और एडिट HTML पे जाना है। इतना मैंने आपको पहले पार्ट वन में बता दिया था कि आप थीम पे कैसे जा सकते हैं blogspot.com पे अपना लॉगिन करके। तो आपको सबसे ऊपर वाली लाइन पे आ जाना है इसके अंदर, फिर आपको सर्च करना है लेटेस्ट, फिर यहाँ पे अपना लेटेस्ट हाईलाइट हो जाएगा और वहाँ पे अपन पहुँच जाएंगे। तो आप देख सकते हैं लेटेस्ट पे अपन पहुँच चुके हैं। अब अपन को इस पूरी लाइन को सेलेक्ट करना है और इसको हटा देना है। ये मैंने पूरी लाइन सेलेक्ट कर ली है, अब मैं इसको हटा देता हूँ। जैसा आप देख सकते हैं हटा दिया मैंने इसको, अब मैं इसको सेव थीम कर देता हूँ। ये अपनी सेव थीम हो चुकी है और अपन अब इसको रिफ़्रेश करके देख लेते हैं कि अपना हटा या नहीं हटा। तो अपन रिफ़्रेश करेंगे तो आप देख सकते हैं लेटेस्ट जो अपना फालतू में ऊपर लिखा हुआ आ रहा था वो हट चुका है। तो अपन को जो अगली चीज़ हटानी है वो नीचे जो आप नाम देख सकते हैं, जो आपको मैंने आपको नाम दिखा था डिस्ट्रीब्यूटेड और क्रिएटेड बाय, वो आपको अब हटाना है। तो वैसे ही अपन को वापस से दिखा देता हूँ आपको, नाम में नीचे चलते हैं एक बार अपन। तो आप देख सकते हैं क्रिएटेड बाय, क्रिएटेड विथ लव, ये तो हटेगा नहीं, क्योंकि ये मैंने आपको शुरू में बता दिया था कि अगर आप फ्री वाली ख़रीद रहे हैं तो ये वाला नहीं हटेगा, अगर आप पेड खरीदते हैं तो ये नीचे कट जाएगा। तो अपन आगे वाले का हटा सकते हैं, इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता है अपना। वैसे भी एडसेंस अप्रूव होने में तो अपन को कोई मतलब नहीं अगर अपन फ्री में वेबसाइट बना रहे तो। वैसे आपको वापस से एडिट HTML पे जाना है, सबसे ऊपर जाना है और डिस्ट्रीब्यूटेड बाय को अपन को सर्च कर देना है। तो मैं यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड बाय सर्च कर देता हूँ। याद रखना आपको सबसे ऊपर पहली लाइन पे जाना है और Ctrl+F दबा के जो अपना डायलॉग बॉक्स खुलेगा उस पे अपन को डिस्ट्रीब्यूटेड बाय सर्च करके एंटर कर देना है। तो अपन वहाँ पे पहुँच जाएंगे लाइन पे, तो आप देख सकते हैं वहाँ पे पहुँच चुके हैं अपन। तो यहाँ पे अपन को सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। एक मिनट रुकिए, ये थोड़ा नीचे चल गया तो मैं इसको ऊपर ले जाता हूँ थोड़ा सा। तो आप देख सकते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड बाय सब चीज़ अपन को दिख रही है। तो यहाँ पे गोया भी टेम्पलेट्स को हटा के अपने जो वेबसाइट का नाम है वो अपन को डाल देना। तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ YT सपोर्ट, ठीक है। तो मैं यहाँ पे YT सपोर्ट डाल देता हूँ। तो वैसे आपको अपनी वेबसाइट का नाम डाल देना है या कुछ भी आप डाल सकते हैं, खुद का नाम भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे फिर अब अपन को यहाँ पे उसकी भी वेबसाइट हटानी है। तो अब यहाँ से अपन वेबसाइट की जो एड्रेस है उसको कॉपी करेंगे और यहाँ पे जो आप देख सकते हैं बिल्कुल जो उसकी वेबसाइट है यहाँ पे हटा देनी है और ख़ुद की अपनी वेबसाइट की लिंक अपन को यहाँ पे डाल देनी है, क्योंकि अगर कोई नीचे पोस्ट के क्लिक भी करता है तो वो अपनी वेबसाइट पे आके खुले। तो यहाँ पे अपन को अपनी लिंक पेस्ट कर देनी है बिल्कुल सही से तरीके से और कुछ भी अपन को एरर यहाँ पे क्रिएट नहीं करना है बिल्कुल, आप देख सकते हैं सारी चीज़ें। और अपन को सेव थीम पे कर देना है। तो यहाँ पे अपनी थीम सेव हो चुकी है। अब अपन वेबसाइट पे जाके अपन इसको रिफ़्रेश करके देख लेते हैं एक बार। तो जब अपन रिफ़्रेश करते हैं इसको तो अपनी वेबसाइट लोड हो चुकी है और आप नीचे देख सकते हैं YT सपोर्ट लिखा हुआ आ रहा है। अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं अपनी वेबसाइट न्यू टैब के अंदर खुल चुकी है। तो दोस्तों, यहाँ से अपन ने एडिट HTML करना सीखा कि HTML कोड को अपन कैसे एडिट करें। तो यह मैंने यहाँ पे आपको मामूली सा बता दिया है और धीरे धीरे अपन ज़्यादा से ज़्यादा सीखते चलेंगे। तो यहाँ पे अब अपन को लेआउट चेंज करनी है, इसकी जो लेआउट है वो अपन को अब चेंज करनी है। तो सबसे पहले अपना आता है फेविकॉन क्या होता है, जो आप ऊपर देख सकते हैं ऊपर आपको टैब दिखाई दे रही होगी जिसमें अपनी वेबसाइट का नाम दिख रहा है, उससे पहले अपन को एक लोगो दिख रहा है, वही फेविकॉन होता है। ये डालना ज़रूरी इसलिए क्योंकि इससे अपना वेबसाइट का प्रोफेशनल लुक आता है। तो आप इसको डाल दीजिए। चलिए देखते हैं कैसे इसको डालना है। सिर्फ आपको एडिट पे क्लिक करना है और फाइल को अपनी को सेलेक्ट कर लेना है। याद रखना आपकी फ़ाइल जो होनी चाहिए, जो इमेज का आइकन होना चाहिए वो बहुत ही छोटा होना चाहिए, 360x360 के रेशियो पे।
तो मैं इसको वहाँ से सेलेक्ट करता हूँ और आप अपना लोगो ईजिली बना सकते हैं पिक आर्ट में। अगर कोई दिक्कत होती है आपको तो आप कमेंट में पूछ भी सकते हैं। तो चलिए अब अपन इमेज सेलेक्ट कर लेते हैं। अपन ने इमेज सेलेक्ट कर लिए, सिंपली आपको सेव पे क्लिक कर देना। जैसे आप देख सकते हैं रिमूव के पास अपनी इमेज लिखी हुई आ रही है, तो आपने इसको सेव कर दिया तो अपने आप ऑटोमेटिकली अपना पेज रिफ्रेश हो जाएगा और आपको फेविकॉन में जो आपने इमेज सेलेक्ट करी है वो आपको यहाँ पर शो होने लगेगी, जैसे आपकी देख सकते हैं। अपन को सोशल मीडिया का करना है, सोशल मीडिया के में आप देख सकते हैं, लेकिन आपको अपन को यहाँ से सारी चीज़ें हटा देनी है क्योंकि अभी अपन को इसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अपन सोशल मीडिया के जो जो आइकन लगाने वाले हैं वो अपन लगाने वाले हैं पॉपअप वाले, जिससे अपनी और भी प्रोफेशनल तरीके की लुकिंग आए। अब अपन लगाएंगे ब्लॉक का लोगो। अगर आप चाहे तो लगा भी सकते हैं, नहीं तो इसको रहने दे सकते हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं पहले अपना नाम और डिस्क्रिप्शन ब्लॉक यानी टाइटल और डिस्क्रिप्शन आ रहा था। अगर आप लगाना चाहते हैं तो आपको सिर्फ एडिट पे क्लिक करना पड़ेगा ब्लॉक लोगो पे, और आपकी जो इमेज है जिस तरीके की भी आपने एडिट करी है या आपने खुद ने बनाई है, जो भी आपने करा जो लगाना चाहते हैं आप, वो ईज़िली आपको सेलेक्ट कर लेनी है और उसको ओपन कर देनी है। अब चाहे तो आप सिर्फ इमेज इमेज लगा सकते हैं या टाइटल डिस्क्रिप्शन और इमेज, तीनों चीज़ें एक साथ लगा सकते हैं। तो मैं आपको इमेज लगा के एक एग्जांपल देता हूँ, वो आपकी मर्ज़ी, जो आप चाहें वैसा आप लगा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे लगा दी है, तो एक बार अपन देख लेते हैं। जैसा कि आप अभी देख सकते हैं, मैं इसको रिफ़्रेश कर लेता हूँ, तो आप देख सकते हैं जो मैंने इमेज लगाई थी वो ऐसे ही आपको दिखेगी। जो आप इमेज लगेंगे वो अपना जो टाइटल था और डिस्क्रिप्शन था वो यहाँ से हट चुका है। तो ये अपन ने सीखा कि आप इमेज लगाइए या टाइटल डिस्क्रिप्शन लगाइए, वो आपकी मर्ज़ी होती है, जो चाहे आप वो लगा सकते हैं। ठीक है, तो अपन ऐड का विजिट हटा देते हैं क्योंकि अपन को भी ऐड की ज़रूरत नहीं है। जब अपन एडसेंस एक्टिवेट कराएंगे, जब इसकी ज़रूरत पड़ेगी तो अपन वापस से लगा लेंगे। तो ऐसे अपन धीरे धीरे करके जो जो काम की नहीं वो हटा देंगे। तो मेन्यू की तरफ बढ़ते हैं, तो मेन्यू जब मैंने खोला तो इसको जो जो मेन्यू पहले से अपन को दे रखी है उसको आपको डिलीट कर देना है। यहाँ पर सारी चीज़ें डिलीट कर देनी है और जिस तरीके की आपकी वेबसाइट है उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे मेन्यू डिसाइड कर लेनी है। जैसे मेरी टैग की है तो यहाँ पे मैं मेन्यू डिसाइड कर देता हूँ कि मेरे को उसके अंदर क्या क्या रखना है। तो मैं यहाँ पे चीज़ें रख देता हूँ, उसको ऐड कर देता हूँ। जैसे रखा मैंने मोबाइल, टैग और ब्लॉगर, तो मैं यहाँ पे रख दिया। अब इसके अंदर मेरे को सब मेन्यू रखनी है कि मेन्यू के अंदर एक और मेन्यू, तो उसके लिए आपको एक अंडरस्कोर लगाना पड़ेगा और अंडरस्कोर के आगे नाम लिख देना है। जैसे मैंने अंडरस्कोर लगा के टेम्पलेट लिखा और एक और चीज़ मैं लगा देता हूँ, अंडरस्कोर के आगे मैंने वापस लगाया और लिख दिया एडसेंस। अब मेरे को किसके अंदर रखना, किस मेन्यू के अंदर कौन सी मेन्यू डालनी है, तो मैं ब्लॉगर के अंदर एडसेंस और टैंपलेट की डालने वाला हूँ। तो मैं ब्लॉगर को ऊपर जाऊँगा, उसके नीचे टैंपलेट और एडसेंस लगा के मैं सेव कर दूँगा। ठीक है, तो अपनी ऐसे मेन्यू और सब मेन्यू अपनी डिसाइड कर दी गई है। तो अब यहाँ से जो जो काम की नहीं है वो सारे मैं विजिट हटा देता हूँ, क्योंकि फिर अपने अकॉर्डिंग अपन इसको सेव करते चलेंगे। तो यहाँ पे मैंने सारे विजिट हटा दिए। अब अपन चलते हैं पेज की तरफ कि अपन के पेज के अंदर कैसे अपना डिज़ाइन होना चाहिए। तो सिंपली इसको आपको एडिट करना है पेज को, और जो आप देख सकते हैं वैसे आपके अकॉर्डिंग यहाँ पे कर लेना। तो सबसे ऊपर आता है अपना पेज, कितने अपन आर्टिकल उसके एक पेज के अंदर कितने आर्टिकल रखना चाहते हैं या अपनी वेबसाइट के फ्रंट पेज पर कितने आर्टिकल रखना चाहते हैं। तो आप 5 से 7 के बीच में रखिए, जिससे अपनी वेबसाइट जल्दी भी लोड हो, और अपने अकॉर्डिंग इसको चेंज कर सकते हैं आप। और नीचे आपको प्रीव्यू दिख सकता है, यानी आप चेंज करिए, प्रीव्यू देखिए, आपको पसंद आए तो रखिए, अगर नहीं पसंद आए तो वापस से चेंज करिए और इसको अपने अकॉर्डिंग सेव कर लीजिए। तो मैं यहाँ पर इसको सेव कर देता हूँ, तो अब मैं इसको सेव करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने सेव कर दिया है। अब अपन नीचे के जो विजिट है जो पेज के लास्ट में आते हैं वो अपन को करना है, यानी कि अपन को सिंपली इसको हटा देना है क्योंकि अभी अपने ज़रूरत नहीं है। अगर आपको इसकी ज़रूरत पड़ रही है तो आप रख भी सकते हैं, क्योंकि अपन बाद में देखेंगे कि अपने अकॉर्डिंग कौन कौन से विजिट अपन को लगाने हैं और कैसे लगाने हैं, वो अगली वीडियो में अपन देखेंगे। अभी अपन इनको हटा देते हैं। तो अब देखिए, देखिएगा आपकी धीरे धीरे करके अपने सारे विजिट हट चुके हैं। तो अब अपन पेज की तरफ चलते हैं और इसको रीलोड करके देख लेते हैं। तो मैं यहाँ पे रीलोड करता हूँ, तो आप देख सकते हैं बिल्कुल अपना पेज एक बिल्कुल ब्लैंक सा पेज आ रहा है। ये अब यहाँ से अपनी जो अपनी मन की इच्छा है, मन के अकॉर्डिंग यहाँ पे से अपनी डिज़ाइन आने लग जाएगी। ये अपन अगली वीडियो में देखेंगे। ये यहाँ तक का हुआ कि अपने विजिट हटाया और इसकी थोड़ी बहुत एडिटिंग करी अपन ने। अब इसमें अपन इसको भरना चालू करेंगे, यानी कि एक खोखा है इसके अंदर अब अपन सामान भरना चालू करेंगे, तो वो अपन अगली वीडियो में देखेंगे। तो मिलते हैं अब अगली वीडियो में। उम्मीद है यह वीडियो आपको पसंद आई होगी, समझ में आई होगी। अगर कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। तब मिलते हैं अगली पार्ट 3 की वीडियो में।